पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही निराली अभिनेत्री की। अक्सर ये मुख्तलिफ फिल्मों में नजर आती थीं और रंगमंच में तो पृथ्वी थिएटर्स के साथ इनका एक बहुत पुराना राब्ता रहा। नाम है इनका शौकत कैफी। जन्म हुआ 21 अक्टूबर सन 1928 में। शुरुआती तरबियत हुई औरंगाबाद में। बहुत कम उम्र से ही इन्हें शायरी का शौक था और इत्तेफाकन एक मुशायरे में इनकी मुलाकात हुई कैफी आजमी से। शौकत कैफी एक बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थीं और कैफी आजमी भी जमींदार खानदान से आते थे। उस मुशायरे में इन दोनों की मुलाकात हुई। शौकत कैफी उस नन्ही सी उम्र में कैफी आजमी की शायरी से बड़ी मुतासर हुई। जैसे ही वो मुशायरा खत्म हुआ तो बहुत सी कॉलेज की लड़कियों ने कैफी साहब को घेर लिया और उनसे ऑटोग्राफ्स की मांग की। शौकत आपा भी उस वक्त चाहती थी कि वो कैफी आजमी का ऑटोग्राफ लें, लेकिन उन्हें जरा शरारत सूझी और वो पहुंच गई उस जमाने के एक और अजीम शायर सरदार जाफरी के करीब और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगी। और उसके बाद वो कैफी साहब के पास पहुंची। कैफी साहब ने भी बड़े ही शरारती अंदाज में उनके ऑटोग्राफ डायरी में कुछ ऊट पटांग लिख दिया और वहां से इन दोनों के इश्क की शुरुआत हुई। ऐसा भी बताया गया कैफी आजमी साहब ने एक प्रेम पत्र लिखा था जो कि खून से लिखा था। शौकत कैफी उस खत को देखकर बड़ी जज्बाती हो गईं और अपने वालिद से इन्होंने कहा कि देखिए, कैफी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्होंने खून से खत लिखा है। शौकत जी के वालिद ने कहा कि देखो बेटा, ये शायर लोग जो हैं बड़ी अजब तबीयत के होते हैं। ये किसी पेड़ के नीचे बैठे ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे और बकरे के खून से उन्होंने ये खत लिखा है। पर शौकत जी को एतबार ना हुआ। उन्होंने अपने वालिद से जिद की कि मुझे कैफी से मिलना है। वो ले आए शौकत को कैफी आजमी साहब के घर और बोला कि देखो ये इंसान कैसा रहता है। एक छोटा सा कमरा, एक टूटी फूटी सी चारपाई, ये अपनी देखरेख तो ठीक से कर नहीं सकता, तुम्हारा साथ क्या निभाएगा। और तब शौकत जी ने बड़ी गैर मामूली बात कही। उन्होंने कहा, ये इंसान यदि मिट्टी ढोएगा तो मैं इसके साथ रहूंगी। और इस तरह से इन दोनों की शादी हुई। शादी के शुरुआती दिन बड़ी कठिनाई में गुजरे क्योंकि कैफी आजमी साहब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर थे। ये दोनों एक छोटे से कम्यून में रहा करते थे जहाँ पे और भी कॉमरेड्स रहते थे। लेकिन उसी दौरान शौकत कैफी भी पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बनी और बहुत से किरदार इन्होंने निभाए। अपना चेहरा प्रोफाइल में दिखाइए, मुस्कुराइए। शहर शहर जाकर ये थिएटर किया करती थी जिससे कुछ और कमाई भी हो जाती थी। ऐसा बताया गया कि इन्हें तकरीबन 100 रुपए मिला करते थे। कैफी साहब और शौकत कैफी के 2 बच्चे हुए, बेटा बाबा आजमी जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा कैमरामैन बना और बेटी शबाना आजमी जो खुद एक बड़ी मकबूल अभिनेत्री बनके उभरी। थैंक यू, वो फिल्म के लिए किया वो मैंने, विशाल भारद्वाज की फिल्म के लिए। शौकत कैफी ने कुछ बड़ी मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया जैसे कि एमएस सत्यू की फिल्म गर्म हवा, मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान। इन दोनों ही फिल्मों में इनका अभिनय देखते ही बनता है। इन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया था जैसे कि हकीकत, हीर रांझा, बाजार, धूप छांव, जुर्म और सजा, सलाम बॉम्बे जैसी कमाल की फिल्म में भी इन्होंने जबरदस्त अभिनय किया था। और उसके बाद सन 2002 की फिल्म साथिया में भी ये नजर आईं। तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ी। यही चेहरा पारो के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश थी। लड़की जहां कहीं भी हो फौरन बुला, फौरन। इनके बेटे ने शादी करी अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री उषा किरण की बेटी तन्वी से, जिन्हें हम तन्वी आजमी के नाम से जानते हैं। और इनकी बिटिया ने शादी करी मशहूर मारूफ शायर जावेद अख्तर से। बहुत बड़ी बात है कि इतने दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो। लोग मतलब से तो मिलते हैं, मोहब्बत से कम मिलते हैं। जिन लोगों से लोग मोहब्बत से मिले हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। बड़े बड़े शायर इनके घर अक्सर आया करते थे और इनका घर बहुत ही छोटा था, पर तब भी उन शायरों को कोई तकलीफ ना हुई। एक बड़ा ही शायराना माहौल इनके घर में रहा। कैफी आजमी के गुजर जाने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी, कैफी एंड आई, जिस पे एक नाटक भी बनाया गया, कैफी और मैं। 22 नवंबर सन 2019 में इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने अपने जमाने के दिग्गज शायरों को सुना, सबसे बेहतरीन रंगकर्मियों के साथ काम किया और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन फिल्मकारों की फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। यकीनन
भारतीय कला के इतिहास में शौकत कैफी का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।